बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो पहला स्टेप है, आपने बोथ साइड पे स्क्वायर ले लेना, क्योंकि ये रेडिकल क्वेश्चन है स्क्वायर और ख़त्म करने के लिए। लेफ्ट साइड पे आपने स्क्वायर एक्सपेंड कर देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। राइट साइड पर स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, तो ये फार्मूला लगा दिया, इसको इवेलुएट कर दिया। 7x16 इधर आगे माइनस हो गए, 4x के वैसे ही 20x में 7x माइनस के 13x, 25 में 16, 9। अब फर्स्ट क्लास से मल्टीप्लाई 36x के बना, फैक्टराइजेशन कर दें, 9 और 4x बन जाएगी इसकी फैक्टराइजेशन। अब आपने फर्स्ट 2 में से x कॉमन आ जाएगा, लास्ट 2 में से 1 कॉमन आ जाएगा, और ये आपकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। अब यहाँ से आपको x की दो वैल्यूज मिल जाएंगी, एक x की वैल्यू आपको मिल जाएगी -9/4, एक x की वैल्यू -1। अब हमने करनी है चेकिंग। अब चेकिंग कैसे करते हैं, जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें एक्स की वैल्यू पहले हम पुट करेंगे -9/4, तो जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हमने -9/4 पुट कर देना है, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। तो अब आपने एलसीएम ले लेना है, तो एलसीएम लेने के बाद ये वैल्यूएशन करनी है अब आपने। तो ये लेफ्ट साइड पे आंसर 1/2, राइट साइड पे 1/2, इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब -1 को आपने सेटिस्फाई करवाना है, एक्स की जगह -1 पुट कर देना है, तो ये आपका लेफ्ट साइड आ गई, इसको -7 है, 3 इज इक्वल टू 9 स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू 3। तो इसका मतलब दोनों आपके सॉल्यूशन सेट में आ जाएंगे। एक्सटीन क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम है, बोथ साइड पर स्क्वायर कर देना है, लेफ्ट साइड पर स्क्वायर कैंसिल, राइट साइड पे आपने एक्सपेंड कर देना है। फॉर्मूला इसके -2ab + b² x + 3, तो ये आपके पास। अब लेफ्ट साइड पर ले आनी सारी वैल्यूज, -9x² 6x + 7x हो गया, और 3 -1 2। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दें ताकि सारी साइन चेंज हो जाए और पहली साइन प्लस हो जाए। अब फैक्टराइजेशन के 9 × 7, तो 9 और 2 इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। अब आपकी ये फैक्टराइजेशन हो जाएगी x - 1 और 9x + 2, तो यहाँ से आपको x की दो वैल्यूज मिल जाएंगी, x = 1 और x = -2/9। अब हमने करनी है चेकिंग। तो चेकिंग में आपने जहाँ जब x से पहले 1 पुट कर देना है, तो इसको इवेलुएट कर देना है, तो ये आपकी सेटिस्फाई हो रही है वैल्यू। आप एक्स का -9/2 पुट कर देना है, सिंप्लीफाई करना, एलसीएम ले लिया 27, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 25/9 आ जाएगा जी, ये बन गया 5/3 -5/3। ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है -2/9 एक्सट्रेनियस रूट है, और 1 जो है वो आपका सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है। पहला स्टेप -3 को लेफ्ट साइड पर ले जाना है, वो साइड पे आप स्क्वायर कर देना है, इसके बाद आपने एक्सपेंशन कर देनी है, स्क्वायर का फॉर्मूला, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल सारी चीज़ें, लेफ्ट साइड पर ले आनी वैल्यूज 24 और 9 बचा, और ये बचा -5, 16 और 5, यही फैक्टराइजेशन हो जाएगी इसकी। इसके बाद आप ये वैल्यूएशन करनी है, आपने फैक्टर्स बन जाएंगे 2x + 1 और 16x - 5, यहाँ से आपको x की दो वैल्यूज मिल जाएंगी 1 और 5/16। अब हम करेंगे चेकिंग। जहाँ जहाँ x है आपने -1 पुट कर देना है, तो इधर भी x की वैल्यू -1, यहाँ पे x की वैल्यू -1। अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है, 1 - 3, अब ये इक्वल नहीं है, ये सेटिस्फाई नहीं हो रही, -1 हमारा सोल्यूशन नहीं है, एक्सट्रेनियस हो गया। अब एक्स की वैल्यू 5/16 पुट कर दी, अब इसको सॉल्व करके देखना है, चेकिंग करनी है क्या ये सेम आता है। एलसीएम ले लिया, ये हो गया 224 हो जाएगा, 16 × 14, ये बन गया जी 289/16 = 17/4 आ जाएगा। अब आपने एलसीएम ले लेना है, 5/4 = 5/4, इसका मतलब जो आपका -1 है ये एक्सट्रेनियस रूट है, ये सेटिस्फाई नहीं किया और सॉल्यूशन सेट आ गया 5/16। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गया, ये भी सेम है, पहले -x को राइट पर ले जाना है, बोथ साइड पर स्क्वायर कर देना है, इधर स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, इधर आपका फॉर्मूला लगा देना है। अब सारी चीज़ें लेफ्ट साइड पर ले आए, -x² - 8 और +5 - 5x हो जाएगा, ये अब आपकी फैक्टराइजेशन, अब आपने इसकी करनी है माइनस से मल्टीप्लाई। 84 के फैक्टर्स बनेंगे जी आपके 12 और 7, तो प्लस का 12x और माइनस का 7x, 4 इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। अब आपने कॉमन निकाल लेने हैं,
यहाँ से आपको अब दो वैल्यूज़ मिल जाएंगी, एक एक्स की वैल्यू -12 आ जाएगी और एक एक्स की वैल्यू 7 आ जाएगी। अब आपने करनी है चेकिंग। तो चेकिंग में आपने जहाँ जब एक्स है -12 पुट कर देना है, तो इसको अब आपने सिंप्लीफाई करना है। ये बन गया जी -36 प्लस 100 और ये बन गया 64 प्लस 12, 8 प्लस 12, तो 20 इज़ नॉट इक्वल टू 4, तो ये सॉल्यूशन सेट में नहीं आएगा। अब 7 को चेक करना है, तो एक्स की जगह 7 रख दिया, तो यहाँ पे अब आपने वैल्यू सॉल्व कर लेनी है। ये आगे 121, 11 -7 4 4, इसका मतलब एक्सटेंस हमारा है -12, एक्सटेंस रूट है और सॉल्यूशन सेट हमारा क्या है 7, दैट इज आंसर। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।